हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, आपको पता ही है, हम लोगों को तो आदत हो गई अब एक के बाद एक सरप्राइजेस लेने की। यस और नो? सो वी हैव बीन यू नो गेटिंग लॉट मेनी सरप्राइजेस फ्रॉम द आईसीएसआई सिंस लास्ट 1 ईयर। पिछला एक साल बच्चों, बार बार देखिएगा, गौर फरमाइएगा मैं किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। पिछला एक साल अगेन एक और सरप्राइज हम सारे सीएस स्टूडेंट्स को मिला है। और जो बीच में आपको नॉर्मली एक दिन की छुट्टी मिलती थी, स्पेशली मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बोथ ग्रुप के लिए अपीयर करते हैं, लेकिन मैं इसके पीछे एक लॉजिक भी बताऊंगा। सो बेसिकली आप देखें, नया टाइम टेबल जून 24 के लिए, जून 24 के एग्जाम के लिए रिलीज कर दिया गया है। अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जाम शुरू हो रहे हैं 1 जून से। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ तक बच्चों एग्जाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पहला 1 तारीख को अगर आप मान लीजिए आप ओल्ड सिलेबस में, तो 1 तारीख को आपका JIJL है, 2 तारीख को SLCM है, 3 को कंपनी लॉ है, 4 को EBCL है, 5 को सेटिंग अप है, 6 को CMA है, 7 को टैक्स है, 8 को FM है बच्चों। और देखिए कितना बड़ा एहसान है, तो आपके 1 2 3 4 5 6 8 सब्जेक्ट हो गए। न्यू सिलेबस वालों के लिए JIJL सेम बच्चों, न्यू सिलेबस वालों के लिए भी बच्चों बीच में कोई छुट्टी नहीं है। तो ना ओल्ड वालों के लिए कोई छुट्टी है बीच में, और ना ही न्यू वालों के लिए कोई छुट्टी का प्रोविजन बीच में डाला गया है बच्चों, ठीक है। सो आई डोंट नो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, मतलब बीच में जो एक दिन की छुट्टी मिलती थी क्योंकि एग्जाम में, ठीक है। हम लोग जो बने हैं CS, और सेम अगर CS प्रोफेशनल की बात करें तो अगर आप देखें ओल्ड सिलेबस में भी डायरेक्टली सारे एग्जाम्स हैं, और न्यू में भी बच्चों डायरेक्टली एग्जाम है, तो कहीं पे भी बीच में कोई गैप का प्रोविजन नहीं है। सो बेसिकली जो हम लोग सोचते थे कि हमको बीच में एक दिन का गैप मिल जाता था तो काफ़ी रिलैक्सेशन हो जाता था, बट इस बार ICSI की जो कोशिश है वो यही है कि भाई पता नहीं, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है समय के साथ चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी रिलैक्स होनी चाहिए। बट अगेन बोथ ग्रुप बच्चों, मतलब अगेन बच्चों, मतलब देखिए एक तरह से ये चीज़, ये मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लें तो ऐसा है कि मतलब कि यार बहुत मेहनत करनी है और आपको यू नो ICSI आपको टफेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही है। बट अगर आप इसका दूसरा पहलू देखें तो मेरा मानना है कि यहाँ पे बीच में एक दिन की छुट्टी होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। और मतलब क्या होगा ना, इससे जो बच्चे हैं, जैसे हम लोग तो क्योंकि CACET आने के बाद हम लोग तो बच्चों को एक ही ग्रुप के लिए इनकरेज करते हैं कि एक ही ग्रुप दीजिए, क्योंकि वो एग्जाम का पैटर्न ऐसा है। तो आप देखते हैं कि मोस्टली जो रैंक लगाते हैं वो सेकेंड अटैम्प्ट वाले होते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले शायद ही कोई रैंक लगाता हो बच्चों, ठीक है। आप देख लीजिए पिछले CACET आने के बाद से जो रैंकर्स आए हैं। सो अगेन बच्चों, फिर से एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, अब आपको अगर एग्जाम के बीच में गैप है नहीं है, खैर वो ठीक है, जो एक ग्रुप देता है उसको बराबर, हाँ जो एक ग्रुप दे रहा है ICSI कह रही है कि भाई जो एक ग्रुप दे रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम बीच में एक एक दिन की छुट्टी दे रहे हैं, ठीक है। बट बोथ ग्रुप वालों के लिए कोई छुट्टी का प्रोविजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक तरह से इनडायरेक्टली ये बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप क्या कीजिए, एक ही ग्रुप के लिए जाइए, ऐसा मतलब ये ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एक ग्रुप के लिए दे रहे हैं तो बच्चों आपको छुट्टियाँ मिल रही हैं, बट प्रॉब्लम बोथ ग्रुप वाले बच्चों की तो बहुत गंभीर है। तो इससे रैंक का, इसलिए आप देख रहे हैं ICSI में रैंक्स बहुत कम आ रही हैं आज की तारीख में, और सेकेंड अटैम्प्ट वाली रैंक लगाते हैं क्योंकि उनको पहली बार में अटैम्प्ट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है तो वो प्रेशर हैंडल कर लेते हैं। अभी हमको क्या करना है बच्चों, अभी हमको रुकना नहीं है बच्चों, अभी हमको और अच्छे से मेहनत करनी है बच्चों, और तगड़े तरीके से मेहनत करनी है। क्योंकि देखो बच्चों, अब आप इसको जो भी बोलो, हम CS मेरे ख्याल से 7-8%, 10%, 11% रिजल्ट आता है CS के एग्ज़ाम का, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बाकी बच्चों से अलग होते हैं, तो शायद हमको उतने एफर्ट और डालने पड़ेंगे। एफर्ट हो गया, परसिवरेंस हो गया, यू नो पेशेंस हो गया, हर एक चीज़ हमारे अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए ये नया सिलेबस या ये नया जो एग्ज़ाम का पैटर्न ICSI लेके आई है, हम लोग तो इसी पैटर्न में पास हुए हैं बच्चों। मैंने तो लगातार 9 पेपर दिए थे CS फाइनल के एक साथ, और एग्जीक्यूटिव के लगातार 8 पेपर दिए थे बच्चों। मेरा मतलब एग्जीक्यूटिव भी, लाइक मेरा एग्जीक्यूटिव सेकेंड अटैम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर किया था मैंने, और फाइनल मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ऑल 3 ग्रुप्स कंप्राइजिंग ऑफ 9 पेपर्स मैंने क्लियर किए थे। तो ये वो पैटर्न वापस आया है। सो बच्चों, व्हेन थिंग्स गेट टफर द टफ गेट्स गोइंग, अपने को पता है। सो अभी से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए बच्चों, और 8 जनवरी 2024 से हम लोग नई क्लासेस शुरू कर रहे हैं बच्चों। इसके लिए बिल्कुल एडमिशन्स फुल स्विंग है, स्विंग में चालू हैं, ऑफर्स काफ़ी अच्छे आए हुए हैं बच्चों। आप तुरंत ऑफिस पे कॉल कीजिए, 8827692257 इज द नंबर ऑफ द ऑफिस, आप कॉल कीजिए और अपनी सीट्स तुरंत रिजर्व कीजिए। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।